अब बवाल मचने वाला है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर अब जो अनएजुकेटेड बंदा होगा जिसने कभी अक्सर उठा के नहीं देखा होगा वो भी बता सकता है कि फ्रेंड्स एक कहानी सुनाता हूं आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे। एक गांव था जिसके अंदर बहुत सारे गरीब किसान थे, एक बज क्रिएट कर दे जबरदस्त वाला तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, दिस इज सोनू अलावा। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी शेयर करने के लिए बोले, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने एक रियलिटी रखने वाला हूं। जो स्टूडेंट ये सोच के बैठे हैं कि एक न एक दिन तो नौकरी मिल जाएगी, उनको अवेयर करना चाहता हूं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, कब मिलेगी नौकरी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही बैठ के नौकरी मिलने का वेट करते रहे ना तो एक दिन ऐसा आएगा वेट करते करते आपकी एज निकल जाएगी, तो फिर इस मेहनत का क्या फायदा होगा। तो अब आपको अपने हक के लिए मांग करनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप भगवान से कुछ मांगते नहीं हो भगवान भी आपकी नहीं सुनता, आपको बिना मांगे कुछ नहीं देता। तो अब आपको अपने हक की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, फॉर्म अप्लाई किया है, नौकरी आपका हक है। तो कैसे मांग करनी होगी नौकरी की वो भी बताऊंगा, क्योंकि एक लोता ऐसा रास्ता है जिससे आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा, एक्शन भी होगा और आपको जॉब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा साथ देना है और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर दो सबसे बड़े गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं जिनके ऊपर करोड़ों स्टूडेंट उम्मीद लगा के बैठे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं जी जान से कि हम भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सके। लेकिन दोस्तों अगर यही डिपार्टमेंट्स लापरवाही करने लग जाएं, आपके बारे में सोचे ही ना, अपने फायदे के लिए सोचने लग जाएं, तो फिर आपको कैसे जॉब मिलेगी, आपका सपना कैसे पूरा होगा, आपकी मेहनत का फिर फायदा क्या। हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी डिपार्टमेंट के बारे में, रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में। अब मैं रेलवे के बारे में क्या ही बोलूं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ रियली में क्या हो रहा है ये रियलिटी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। देखिए दोस्तों, रेलवे हो या फिर एसएससी हो, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। जो युवाओं की प्रॉब्लम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर एक्शन ले। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जो लोकसभा इलेक्शन 2019 में हुआ थी, सबको पता है 11 अप्रैल 2019 में लोकसभा इलेक्शन होते हैं, उससे जस्ट पहले फरवरी में रेलवे के अंदर लगभग 1.25 लाख से ज्यादा वैकेंसी अनाउंस कर दी जाती है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, साथ ही 35,000 के आसपास एनटीपीसी की वैकेंसी होती है। अब जो अनएजुकेटेड बंदा होगा जिसने कभी अक्सर उठा के नहीं देखा होगा वो भी बता सकता है कि फरवरी में ये रेलवे की इतनी बड़ी वैकेंसी क्यों निकाली गई, क्योंकि 11 अप्रैल से इलेक्शन भी तो स्टार्ट थे, इसी गवर्नमेंट के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट फंस जाते हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में तुरंत क्या आता है, वाह यार क्या गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी वैकेंसी बना दी, इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल दी, तो सब बस गवर्नमेंट के गुण गाने लग जाते हैं। तो ये फंडा था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फरवरी के अंदर इतनी बड़ी रेलवे की वैकेंसी इतनी जल्दबाजी में निकाल दी इलेक्शन की कि अब तक इस वैकेंसी को ये मैनेज नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ये इसका मेन कारण है। एक्सक्यूजेस क्या देती है रेलवे या फिर गवर्नमेंट कि हम अभी तक टेंडर नहीं दे पाए, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का सिलेक्शन नहीं कर पाए। अबे ये इंटरनल एक्सक्यूजेस है, स्टूडेंट्स को ये एक्सक्यूज क्यों दिया जा रहा है कि अभी एग्जाम कंडक्ट वाली एजेंसी नहीं है, 1.5 से ज्यादा साल हो गए, ये एक्सक्यूज क्यों दिया रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट बीमार पड़ जाए अपने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से पहले 20-25 दिन के लिए और वो एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो फिर मांग करे, अपना एक्सक्यूज दे कि मैं बीमार था इस वजह से एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो क्या कोई भी डिपार्टमेंट एसएससी या फिर रेलवे इसको क्वालिफाई कर देगा, क्या उसको वो जॉब दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आप ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं सुनोगे। तो स्टूडेंट्स को ये एक्सक्यूज क्यों दे रहा है? ये आपकी प्रॉब्लम है, ये इंटरनली इशू है, ये आपको खुद सॉल्व करना चाहिए और आपको जो स्टूडेंट्स को बताना चाहिए एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, वो प्रॉपर निकालना चाहिए। ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बेफिजूल का एक्सक्यूज है, इंटरनली एक्सक्यूज है, इंटरनली इशू है, इंटरनली प्रोसेस है डिपार्टमेंट का, उसको इंटरनल ही रखिए, स्टूडेंट के सामने मत रखिए, उनको कंफ्यूज करने की मत कोशिश करिए। और फ्रेंड्स ठीक इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट का रेलवे के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी निकालने का सेकंड पॉइंट ऑफ बेनिफिट था, आपने देखा होगा ग्रुप डी एनटीपीसी की जो फॉर्म फीस थी वो 500 रुपए रखी गई थी, जिसमें से उनकी कंडीशंस थी कि फिलहाल तो 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाद में एग्जाम्स होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा, 100 रुपए केवल फॉर्म फीस चार्ज किया जाएगा। ये क्या फंडा हुआ है? अगर आप फॉर्म फीस ले रहे हो, केवल 100 रुपए खर्च आ रहा है, तो 100 रुपए ही लो ना, क्यों एक्स्ट्रा 400 रुपए आप स्टूडेंट से लेके जा रहे हो? क्या स्टूडेंट्स के पास इतना पैसा है कि वो 500 रुपए आपको पे कर सके? इसका फंडा आई होप आप समझ गए होंगे। इलेक्शन था उस टाइम पे, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, सही मायनों में तो स्टूडेंट से केवल
₹100 चार्ज करने चाहिए तो ₹400 क्यों लिए जा रहे हैं? क्या स्टूडेंट से उधार मांगा जा रहा है अपना काम निकालने के लिए? फ्रेंड्स एक कहानी सुनाता हूं, आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे। एक गांव था जिसके अंदर बहुत सारे गरीब किसान थे, थोड़ी थोड़ी सबके पास जमीन थी, लेकिन उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ा जमींदार साहूकार था जिसके पास बहुत जमीन थी, बहुत ज्यादा पैसा था। किसान अनाज उगाते थे, उससे अपना गुजारा करते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से किसानों की छोटी छोटी फसल तबाह हो जाती है और उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं रहता। तो सभी लोग क्या करते हैं, वो बड़े जमींदार साहूकार के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमें अनाज दे दीजिए ताकि हम अपना गुजारा कर सके, थोड़ा थोड़ा अनाज दे दीजिए, हमने जो पैसे अभी तक जोड़े हैं हम उसके लिए प्रॉपर पे करने के लिए तैयार है। लेकिन साहूकार किसानों के सामने क्या शर्त रखता है कि हाँ मैं तुमको अनाज जरूर दूंगा, लेकिन ₹100 का अनाज दूंगा, तुमको मुझे हर एक किसान को ₹500 देने पड़ेंगे जिसमें से ₹400 मैं तुम्हें 3 साल बाद लौटा दूंगा। ये क्या कंडीशन हुई, सोच के देखिएगा। किसान मजबूर थे, उन्होंने ₹500 पे कर दिए और जो ₹100 का थोड़ा सा अनाज आता था वो लेकर वहां से चल दिए और 3 साल का वेट वो करेंगे कि हाँ ₹400 हमारे आ जाएंगे। साहूकार ने उनसे ₹400 एक्स्ट्रा ये बोल के लिए कि अनाज गोदाम में नहीं है, मुझे बाहर से मंगाना पड़ेगा, जबकि गोदाम में था। तो कुछ ही दिन बाद क्या देखते हैं कि साहूकार वो जो पैसा इकट्ठा किया था एक्स्ट्रा किसानों से वो अपने ऐश्वर्य में लगाता है, अपनी हवेली को और बड़ा करता है, यानी कि उन सभी रुपयों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। सेम सिचुएशन यहां पर भी हुई, आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो टाइम दिया जाता है कि हम एग्जाम के बाद बाकी के रुपए ₹400 रिफंड कर देंगे। देखिए दोस्तों, पुरानी बॉलीवुड मूवीज में आपने एक सीन बहुत ज्यादा देखा होगा, जब भी कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी डाकू को पकड़कर सजा दिलवा देता है 10 साल की, तो सजा के बाद जब वो डाकू उसे दोबारा मिलता है तो उसे बोलता है कि मुझे बाहर आने दो, 10 साल बाद तुमसे बदला जरूर लूंगा। वो इंस्पेक्टर क्या बोलता है कि 10 साल का टाइम बहुत ज्यादा है, वक्त सब कुछ भुला देता है। तो फ्रेंड्स सेम फंडा यहां पर है, वक्त सब कुछ भुला देता है। पैसे कब आएंगे ₹400 उसका कुछ नहीं पता। और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को ₹400 का करना क्या है, ₹400 हमें नहीं चाहिए, जिसलिए आपने फीस ली है वो काम कराइए, हमारा एग्जाम कराइए, बस हमें ₹400 नहीं चाहिए। क्या स्टूडेंट ₹400 लेने के लिए यहां पर बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, डेफिनेटली नहीं बैठे हैं। मेरे हिसाब से तो सब कुछ भूल गए होंगे, किसी भी स्टूडेंट के फॉर्म अप्लाई करते दिमाग में ये नहीं आया होगा कि फिलहाल मैं ₹500 दे रहा हूं, ₹400 मेरे आ जाएंगे। सब सोचते हैं आएंगे आएंगे, हमें तो एग्जाम से मतलब है। तो ₹400 हमें नहीं चाहिए, आप अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करें। आपने भले ही 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लियो, लगाइए जहां पर भी आपको लगाना है, लेकिन हमारा काम यहां पर करिए। तो फ्रेंड्स ये रेलवे का फंडा चला है, ये रियलिटी है। अगर आप ऐसे ही बैठ रहे हैं, एग्जाम कभी नहीं होगा, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, यही आपको आपके साथ चलता रहेगा। अब SSC के बारे में क्या बात करूं, SSC भी सेम पैटर्न के ऊपर चल रहा है, कुछ भी आपका रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना ही कोई आपका एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट 1.5 साल से नहीं आ रहा है, 2-2 साल से आपका SSC का एग्जाम नहीं हो रहा है, नई वैकेंसीज आनी थी, नई वैकेंसीज नहीं आ रही है। यहाँ पर हम COVID-19 का इशू नहीं ले सकते, एक्सक्यूज नहीं ले सकते, क्योंकि COVID-19 में प्रॉपर गाइडलाइंस के अंदर सभी वर्क किए जा रहे हैं। JEE नीट का एग्जाम नहीं रुक रहा है, एग्जाम तक हो रहा है, तो एग्जाम का एक्सक्यूज ले क्यों ले। फिलहाल तो वैकेंसी के ऊपर अगर हम बात करें, MTS की वैकेंसी जून में आनी थी, नहीं आई। स्टेनो की वैकेंसी अगस्त में आनी थी, नहीं आई। JEE की वैकेंसी आनी थी अगस्त में, नहीं आई। स्टेनो का एग्जाम होना था, वो नहीं हुआ। 2019 में स्टेनो का फॉर्म भरा गया था, मई में एग्जाम होता, नहीं हुआ। फिर डेट आई, फिर पोस्टपोन, फिर डेट आई, फिर पोस्टपोन, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मतलब एक तरीके की लापरवाही है, प्रॉपर फोकस नहीं किया जा रहा। दोस्तों छोटा सा भी मुद्दा उठ जाए गवर्नमेंट के अंदर, उसके ऊपर सब बोलने लग जाते हैं, न्यूज चैनल्स का उसके ऊपर फोकस रह जाता है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर पे शेयर करने लग जाते हैं, लेकिन इस स्टूडेंट के मुद्दे को कोई भी शेयर नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं जानती, प्रॉपर जानती है, लेकिन उनको पता है स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, हम भी ऐसे ही टाइम पे टाइम देते रहेंगे, क्या कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एक बज क्रिएट कर दे जबरदस्त वाला, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। तो अब ये नहीं कहेंगे कि नौकरी दो या फिर ये एग्जाम कराओ, अब डायरेक्टली चोट आपको देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कुछ हैशटैग्स ट्रेंड कराने पड़ेंगे, वहां तक अपनी बात एक बहुत ही ह्यूज नंबर में वहां तक पहुंचानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट कर रहा है या फिर एक चैनल वाला बोल रहा है करिए, उसके पास जितने भी 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लोग हैं वो करिए, उससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर बड़े पत्थर के ऊपर पानी की केवल एक ही बूंद एक बारी गिरी है तो उससे पत्थर नहीं टूटेगा, लेकिन अगर बूंद बार 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 प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ गिरती रहे तो पत्थर को भी टूटना पड़ता है। इसलिए आप सभी को एक साथ आना पड़ेगा और प्रॉपर चोट देनी पड़ेगी, पत्थर के ऊपर बार बार गिरना पड़ेगा, तभी पत्थर टूटेगा। आई होप आप समझ गए होंगे।
तो प्रॉपर क्या करना है, अगर आपके मोबाइल में ट्विटर हैंडल नहीं है तो डाउनलोड करिए, गूगल प्ले के ऊपर मिल जाएगा। फॉलोवर नहीं चाहिए, काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे पास तो फॉलोवर ही नहीं है मैं क्या कर लूंगा। फॉलोवर नहीं चाहिए, जीरो फॉलोवर है तब भी आप गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कैसे, अब बहुत सारे हैशटैग्स मत चलाइए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने देखा कोई अपना चला रहा है, कोई अपना चला रहा है, मत चलाइए, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। प्रॉपर एक चीज के ऊपर फोकस करिए। हमें एसएससी के ऊपर तक बात पहुंचानी है तो सबसे पहले तो आपका यह रहना चाहिए बायकॉट एसएससी चेयरमैन। आपको एसएससी चेयरमैन की चेयर हिलानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। जब तक उसे नहीं पता चलेगा कि ये तो मेरी कुर्सी के ऊपर बात आ गई, वो एक्शन नहीं लेगा। तो ये छोड़ दीजिए कि एसएससी एग्जाम कराइए, रेलवे एग्जाम कराइए, भूल जाइए इसे, केवल बायकॉट एसएससी चेयरमैन चलाइए। जब अपने ऊपर बात आती दिखेगी ना तभी एक्शन होगा। दूसरा, रेलवे के बारे में बात करें तो ये हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, क्योंकि मुद्दा रेलवे एसएससी का है। अब कुछ ही दिन बाद एक ही होने वाली है, एक ही एग्जाम के अंदर आने वाले, सीईटी होगा, रेलवे एसएससी एक ही एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, तो प्रॉपर एक लेके चलिए एक ही में। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, जो अल्फाबेट मेरे हैं प्लीज इन्हीं को ही रखिएगा। हर एक वर्ड का यानी कि जो पहला लेटर होता है, पहला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल रहना चाहिए। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये हैशटैग ट्रेंड करा दीजिए। दिन में तीन से चार ट्विटर के ऊपर आपको कुछ नहीं करना, आपको हैशटैग लिखना है। आपको जहां पर पोस्ट होती है उसमें हैशटैग ये लिखिए, हैशटैग ये लिखिए, सबसे पहले ये लिखिए और एट लगा के, वहीं पर एट लगा के जिसको आपको टैग करना है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे कि आपको रेलवे का एग्जाम है तो पीयूष गोयल जी को करना है, एट पीयूष गोयल वहां पर करिए, उनको टैग होगा। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग होगा, नरेंद्र मोदी, उनको टैग करिए, ठीक है। और जो हमारी न्यूज चैनल्स हैं उनको टैग करिए, उनको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की कितनी बड़ा अमाउंट यानी कि कितने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट उठ के आ रहे हैं, तभी बात बनेगी फ्रेंड्स, तब तक बात नहीं बनेगी। तो जहां पर आपकी गवर्नमेंट को मतलब टैग करना है उनको करिए, नरेंद्र मोदी, पीएमओ सबसे ज्यादा जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सबसे ज्यादा जरूरी है, एसएससी को टैग करिए, ठीक है, इनको टैग करिए, तब बात बनेगी। जब दिखेगी ना कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट उठ के आ रहे हैं, अब बवाल मचने वाला है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन होगा। अब फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा काम करने में स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, वो सोचते हैं कि यार मेरा एक ट्वीट करने से क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरा ये वीडियो कितने सारे लोग देख रहे हैं, जब ट्वीट करेंगे क्या होगा, कितने चैनल ने ऐसा वीडियो बनाया जब वो ट्वीट करेंगे क्या होगा, करोड़ों लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं यार, बहुत जबरदस्त बज क्रिएट हो सकता है अगर आप चाहो। अपने लिए करो, सब लोग ये सोचे कि हाँ मुझे एग्जाम कराना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो मैंने मेहनत करी है मुझे उसका फल चाहिए। अपने लिए करिए, डेली 3 से 4 ट्वीट करिए। अभी करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन खोली, ये किया और उसको कर देना है, आपको पोस्ट कर देना है, यानी कि आपको टैग कर देने हैं, कुछ भी नहीं है, हैशटैग आपको ट्रेंड कराने, देखते रहिए। 48 आवर्स दीजिए आप, 48 आवर लगातार कर दीजिए, 3-3, 4-4, 5-5 जितना भी पॉसिबल हो सके, फिर देखिए आप क्या होता है। फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालिए, हैशटैग ये डाल के ये पोस्ट डालिए, इससे इंपैक्ट पड़ेगा, लोग आपके पोस्ट को शेयर करेंगे, शेयर करने के लिए बोले, उन तक पहुंचाइए जहां तक पहुंचानी चाहिए, @PMO, @PiyushGoyal, @MinistryofRailway, @SSC, जो भी आपकी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, 48 घंटे के बाद देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, अब ये नहीं कि ये वीडियो बनाया खत्म, अब प्रॉपर बात चलेगी एग्जाम कराना है, क्योंकि हम भी टीचर हैं यार, मैं भी टीचर हूं, तो पढ़ाने का यार फायदा ही क्या है, जब तक आपको उसका बेनिफिट ही ना मिले, आप पढ़ते जा रहे हो, एग्जाम नहीं हो रहा है, हमारा फायदा क्या है, कब तक ऐसे करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर अब तो एक्शन लेना है, आपकी एक मेंटेलिटी रहनी चाहिए ये काम करते हुए या फिर प्रिपरेशन करते हुए कि अब तो नौकरी लेकर रहेंगे, ये रहना चाहिए दिमाग में, अजीब सा जुनून होना चाहिए कि यार अब तो नौकरी लेकर रहेंगे, तब बात बनेगी यार। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा काम है, आई होप आप समझ गए होंगे गवर्नमेंट की क्या रियलिटी है, उन तक बात पहुंचती है लेकिन बात जबरदस्त तरीके से पहुंचानी है। एक ह्यू नंबर जब मिलके युवाओं का वहां पर पहुंचाएगा बात, तो देखते हैं क्यों नहीं एक्शन लेगी गवर्नमेंट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि और क्या क्या हमें करना चाहिए, मिलजुल कर क्या क्या हमें और यूनिटी दिखानी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।